दोस्तों टाटा स्टील की बात करो, यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने मर्जर के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग बुला ली है और यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए डेट भी आ चुकी है। तो क्या है पूरा मैटर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कितनी जल्दी मर्जर हो जाएगा और मर्जर के बाद टाटा स्टील के शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर और निकल के आ रही है टाटा स्टील से। टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आने वाले समय में यूके के बिजनेस को लेकर उनकी क्या रणनीति है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील के एम्प्लॉयज के लिए भी एक फायदेमंद खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और क्या शेयर होल्डर को इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मर्जर से पहले, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर भी यहाँ पे जारी किए हैं जो काफ़ी अच्छे, जिसके हिसाब से लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर रह सकता है। कंपनी जो पिछले दो क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में फिर से सुधार हो रहा है, क्या इस बार प्रॉफिट और बढ़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 111 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.93% की गिरावट थी, लगभग 1% की गिरावट। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भयंकर गिरावट थी, करीब 500 पॉइंट के ऊपर की गिरावट थी बीएससी सेंसेक्स में, तो असर तो होना ही था। वैसे पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 22% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 91 के स्टॉक आसपास था एक साल पहले। वन मंथ की भी बात करो तो 2% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक गिरावट से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि इन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तो यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से 14 जून को जो ऑर्डर निकल कर आया है एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है इस मर्जर के प्लान को। मेगा मर्जर होगा, 7 सब्सिडीज कंपनी है जो टाटा स्टील का हिस्सा बनेगी और इसके लिए अब शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। तो इसके लिए 10 अगस्त को कंपनी ने अपनी मीटिंग बुलाई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग होगी जिसमें सबको हिस्सा लेना है। तो इस अप्रूवल को रजामंदी दी जाएगी या तो विदाउट मॉडिफिकेशन या फिर विथ मॉडिफिकेशन, जिस तरह से भी होगा इस स्कीम को मंजूरी देने के लिए यहाँ पे कंपनी ने अब मीटिंग बुला ली है। तो गुरुवार 10 अगस्त को 12 बजे दोपहर के टाइम में यहाँ पे मीटिंग होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस मीटिंग के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया वो पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी रिमोट वोटिंग के माध्यम से, ई वोटिंग के माध्यम से जिसको वोटिंग करनी है वो उनके लिए संडे यानी 6 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सुबह 9 बजे से, जो बुधवार तक चलेगी 9 अगस्त तक। और आप देख सकते हो कि शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। तो अगर आप भी यहाँ पे अगर टाटा स्टील के शेयर होल्डर तो आपके पास समय है, आप इस मर्जर की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। तो आपके पास अब डेट आ चुकी है, 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त के बीच में शाम 5 बजे तक आपको अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना है और फिर 10 तारीख को कंपनी की मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा, जिससे जो वोटिंग के जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के तौर तरीके पे उस रिजल्ट को देखकर यहाँ पे फैसला लिया जाएगा क्या मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बिल्कुल समय आ चुका है, यानी अगले महीने ही मर्जर की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया जाएगा। शेयर होल्डर की रजामंदी लेने के बाद जो दूसरी कुछ और यहाँ पे अप्रूवल होगी वो जल्दी ले ली जाएगी, यानी मर्जर अब अंतिम तबके में पहुँच चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मर्जर का समय आ चुका है और आप ये समझ ही सकते हो कि शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद यहाँ पे लगभग पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको खास ध्यान रखना कि ई वोटिंग वालों के लिए देखें तो जो डेट है वो 3 अगस्त है और रिमोट ई वोटिंग के लिए 6 अगस्त से शुरुआत होगी और 9 तारीख तक इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा और 10 तारीख को फैसला आ जाएगा। मीटिंग के दौरान जो भी वोटिंग के जो परसेंटेज हो गए उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जल्द ही मेगा मर्जर होगा। तो ऐसे में शेयर होल्डर के लिए मौका है, खरीदारी आपको इस समय शुरू कर देनी चाहिए। एक यहाँ पर चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, टाटा स्टील के एक ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया है, जो देख सकते हो कि डिसमिस किया गया था कंपनी से कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से और उनको दोषी ठहराते हुए डिसमिस किया गया और उसके बाद में ट्रेन के आगे कूद के उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हो कि विजय कुमार निराला जो रेसिडेंस है कदमा, और उन्होंने सुसाइड किया है ट्रेन के आगे कूद के। यहाँ पे देखते हो कि विजय कुमार जो IL2 ऑफिसर थे टाटा स्टील में और कुछ सीरियस एलिगेशन लगे थे 2 महीने पहले उनके ऊपर और इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया था और उनके बाद में उनका जो ट्रांसफ़र है वो कलिंग नगर प्लांट में किया गया था, लेकिन अब आप देखें उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और जैसे कि अब रिसेंटली भी देखा कि हमने 38 और एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाला गया है, तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है।
अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा भुगतनी चाहिए, लेकिन इस तरह से सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। जो भी उसके सामने फेस करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो, गलती हुई है, तो उसको मानना चाहिए। एक अच्छी गुड न्यूज निकलेगा टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ के लिए। टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए देख सकते हो कि प्रमोशन को लेकर एक ब्रिज कोर्स लाया है। इस कोर्स से जो उनके जो एम्प्लॉयज है उनका प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्रिज कोर्स के सेक्शन ए और सेक्शन बी में जिनको 60% से अंक ज़्यादा हासिल होंगे उनको हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का लाभ मिलेगा, और जैसे ही उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिले उसके बाद में यह लाभ उनको मिलने लगेगा। इसके अलावा ब्रिज कोर्स के सेक्शन ए और बी की परीक्षा में जिनको 60 अंक न्यूनतम अंक मिलेगा उनको डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी इंजीनियर के रूप में जुड़े तमाम वैकेंसी में वो लोग शामिल हो सकते हैं। और तो ये काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आया टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी अभी एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है। टाटा स्टील की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनका है यूके का बिजनेस, जो देख सकते हो कि एक तरह से बंद होने की कगार पे है, क्योंकि अगर वहाँ से सरकार की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिली तो वो पूरे कारोबार को बंद करेंगे, जबकि इंग्लैंड की सेकेंड सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। तो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील की तरफ से कहा गया कि ये अब मामला अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 116वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें एन चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया कि टाटा स्टील है बहुत जल्द कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। जो भी यूके बिजनेस है वो आप देखें तो जो लाइफ ब्लास्ट फर्नेस का समय अंत होने को आया, तो पोर्ट टेलबोर्ट का जो भी आगे का भविष्य होगा उस पर निर्धारित होगा कि सरकार क्या हमारी बात मानती है, क्या हमें हेल्प करेगी, तब तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा फिर, या फिर ये बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए थे कि यूके का भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है यूके गवर्नमेंट की तरफ से और ये अंतिम पड़ाव पे आ चुके, जल्दी इसके ऊपर फैसला हम ले लेंगे। तो एन चंद्रशेखर का कहना है कि ब्लास्ट फर्नेस है जो अपने एंड के लाइफ साइकिल पर आ चुका है और जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाना है। हमने एक प्रपोजल यूके गवर्नमेंट को दिया है और जल्दी ही उनके जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द यूके के प्लांट के ऊपर ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करना चाहते हैं और सरकार से जो मदद मांगी है वो जल्द ही अगर पूरी हो जाएगी तो उसका कामकाज शुरू हो जाएगा। वैसे ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने हमें 300 मिलियन पाउंड्स की ऑफर की है, जो हमारे हिसाब से काफ़ी कम है और इसको बढ़ाना होगा तभी हम ये बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी जानकारी एन चंद्रशेखर ने दी है। वैसे उनका कहना है कि इसके लिए हमने बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं, सबसे बातचीत हो रही है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत हो रही है किस तरह से इस प्लांट को आगे चलाया जा सकता है, उसके लिए ऑप्शन तलाशे जा रहे, तो हो सकता है कि ये प्लांट को हम अच्छे से आगे बढ़ा पाए और जो हम चाहते हैं वो पूरा हो पाए। पोर्ट टेलबोर्ट की इंस्टॉल कैपेसिटी 5 मिलियन टन्स की है, लेकिन फिलहाल हम 3 मिलियन टन्स एनुअली यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने करीब 6 बिलियन पाउंड्स का ब्रिटिश पेंशन का जो स्कीम का जो पैसा है वो सारा दे दिया है, वहाँ पे उसकी पूरी टेंशन से बाहर निकल के हमारी जो भी एम्प्लॉय है वो इंश्योरेंस से कवर हो चुके हैं और आने वाले समय उसका किसी प्रकार का हमें टेंशन होगा नहीं। तो कुल मिला के ये जो बड़ी रकम है ये इस रकम का जो चुकाना भी इस रिजल्ट में भारी पड़ सकता है। रिजल्ट में आप देख सकते हो कि कुछ इस बार भी दबाव देखने को मिल सकता है। पिछली बार भी देखें तो पेंशन स्कीम में जो उन्होंने एक बड़ी रकम चुकाई थी जिसकी वजह से यहाँ पे उसका रिजल्ट में असर देखने को मिला, हो सके इस बार भी वो असर देखने को मिले। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इस पेंशन स्कीम में पैसे लगाने के बाद अब जो आने वाले समय जो इनके पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी गारंटी हो चुकी है, उनको आने वाले निकट भविष्य में जो भी पैसा है वो वहाँ से उनको मिल पाएगा, उसके लिए टाटा स्टील को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा एन चंद्रशेखर ने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि आने वाले समय हम 40 मिलियन टन्स पर ईयर की कैपेसिटी को पालेंगे, यानी इस समय जो करंट कैपेसिटी उससे डबल हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कलिंगनगर की जो कैपेसिटी है वो भी 3 मिलियन टन से 8 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है 12 महीने के अंदर, और आने वाले समय में हम कुछ और बड़े कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस को और पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही मर्जर का प्लान पूरा होने के बाद करीब 2000 करोड़ की खर्च में बढ़ोतरी आप देखें तो सेव हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है और ये इशारा करिए कि आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।